नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 24 मार्च 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, घोड़े यात्रा जिसे घोड़ों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है 21 मार्च 2023 को किस देश में मनाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। घोड़े यात्रा आल्सो नाउन एज द फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस वॉज ऑब्जर्व इन विच कंट्री ऑन 21 मार्च 2023। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल, ए ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नेपाल में एक सिटी है, नाम है ललितपुर, जहाँ पर ये फेस्टिवल घोड़े यात्रा अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो ये ए ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। जॉर्डन की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल है अम्मन, ये लार्जेस्ट सिटी है। जॉर्डियन दिनार करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है बिशेर खाशिमे। यमन की अगर हम बात करें तो सना इसकी कैपिटल है और सना इसकी लार्जेस्ट सिटी है। यमनी रियाल करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है मीन अब्दुल मालिक सैयद। सऊदी अरेबिया की बात करें तो रियाद कैपिटल है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। सऊदी रियाल करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान। अब बात नेपाल की हुई है, एक बार आप नेपाल की लोकेशन देखें पहले। ये है नेपाल की लोकेशन। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, जो लार्जेस्ट सिटी है। नेपालीज रुपी करेंसी है। पुष्पा कमल दहल प्राइम मिनिस्टर हैं और रामचंद्र पौडेल ये प्रेसिडेंट हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ शेयर होती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल मिलाकर ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, 2 दिवसीय G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सम्मेलन 23 मार्च 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ। द टू डे G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग रिक कॉन्फ्रेंस बिगेन इन विच स्टेट ऑन 23rd मार्च 2023। तो आंसर हो जाएगा आसाम, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है, असम का एक शहर है डिब्रूगढ़, जहाँ पर ये जो है कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट हुई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, उस स्कीम का नाम क्या था, अंकुर योजना। और मध्य प्रदेश में एक आप ये याद रखेगा, मध्य प्रदेश में कोनोपालपुर नेशनल पार्क भी है, जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। तो बी ऑप्शन आसाम सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आसाम का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। आसाम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। बैखो उत्सव असम में मनाया गया। अंबुबाची मेला असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रति गमछा को 14 दिसंबर 2022 को GI टैग मिला। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो असम आयोजित किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोहरट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। तो ये बात करी असम के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। लोकेशन देखिए आप असम की, ये लोकेशन है भूटान बांग्लादेश, 2 देशों के साथ असम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और भारत के अंदर जो बाउंड्री शेयर होती है असम की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यह हैं संदीप मेहता। 34 जिले हैं लोकसभा के, 14 सीट राज्यसभा के साथ विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये 3 हिल्स मेघालय राज्य में है, ना कि आसाम राज्य के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया।
वेन वॉज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ये मनाया गया। 20 मार्च को विश्व ओरल हेल्थ डे ये मनाया गया। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया गया। डी ऑप्शन 23 मार्च थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड 2023? फोर्थ क्वेश्चन आप ये मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बॉम्बे जयश्री, बी ऑप्शन। ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो बी ऑप्शन ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य में उगड़ी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो ये जो उगड़ी फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया है? कर्नाटका में, सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। केरल की अगर हम बात करें तो केरल से आप दो पॉइंट याद रखिएगा। केरल की सरकार ने कुंज ऐप इसको स्टार्ट किया, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया, और केरल की सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया, केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। ये चार पॉइंट आप केरल से संबंधित याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, मर्लिंग ग्रुप ने कहाँ के सोल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। यह आप याद रखेगा, ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। तमिलनाडु बनेगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ए ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सेवन्थ क्वेश्चन, अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास एफिंडेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ पुणे में, सी ऑप्शन। ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है पुणे। एट्थ क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रतन टाटा, डी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।